साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। केवल शिक्षा मित्र ही नहीं बल्कि जितने भी संविदा शिक्षक हैं आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है। साथियों, इस वीडियो में आप सभी के साथ एक खबर साझा करेंगे जो कि आप सभी के भविष्य निर्धारण से जुड़ी हुई है। खबर क्या है, एक बार आप थंबनेल देख लें कि दोबारा से नियुक्त किए जाएंगे शिक्षा मित्र यानी कि संविदा शिक्षक। आखिर ये पूरी खबर क्या है, इसके ऊपर आगे विस्तृत में चर्चा किया जाएगा यानी कि डिटेल में आप सभी के साथ पूरी जानकारियां साझा की जाएंगी। साथ ही वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों पहली अपडेट खुलकर आ चुकी है, इसके बाद सेकंड अपडेट की तरफ मूव करेंगे। अब यहां पर आप देख लें कि मानदेय पर रखे जाएंगे 2090 तदर्थ शिक्षक। यानी कि ये तदर्थ शिक्षक क्या होते हैं साथियों, जितने भी प्रोविजनल शिक्षक होते हैं उन्हें तदर्थ शिक्षक कहा जाता है। जहां पर आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निरस्त की गई थी इनकी नियुक्तियां, नियम विरुद्ध प्रबंधन ने कर दी थी इन शिक्षकों की नियुक्ति। सहानुभूति के आधार पर अब इन्हें मानदेय पर रखने की तैयारी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए जब इनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी। इसके पूर्व में भी ये वेतन पा रहे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्ति इनकी निरस्त कर दी गई। तो फिर इसके बाद साथियों यहाँ पर सरकार के द्वारा दोबारा से इन्हें मानदेय के ऊपर शिक्षण कार्य करने के लिए रखा जाएगा। आप यहाँ पर देख लें, पूर्व में वेतन पा रहे तदर्थ शिक्षकों को ही रखेंगे। यानी कि यहाँ पर आप देख लें कि शासन के एक बड़े अफसर की मंशा थी कि उन शिक्षकों को भी मानदेय पर रखा जाए जो हाई कोर्ट के आदेश पर नौकरी तो कर रहे थे लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर इसके पक्ष में नहीं थे। लंबे समय तक इस पक्ष पर पेंच फंसा रहा। परिस्थितियां बदलने के बाद जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा था उन तदर्थ शिक्षकों को बाहर करते हुए वेतन पा रहे शिक्षकों के समायोजन का प्रस्ताव भेजा गया है। यहां पर साथियों इसके पहले एक तदर्थ शिक्षकों यानी कि प्रोविजनल शिक्षक पर एक न्यूज आपको मैंने उत्तराखंड में बताई थी, जहां पर हिमाचल प्रदेश के आधार पर टेट मुक्त किया गया था उन्हें और अब उन्हें भी वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार से इन्हें भी अब मानदेय के ऊपर शिक्षण कार्य करने के लिए रखा जाएगा। ये खबर शिक्षा मित्रों से किस प्रकार से संबंधित है मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर साथियों जो जितने भी तदर्थ शिक्षक थे यानी कि 2090 तदर्थ शिक्षक थे जिन्हें कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी नियुक्तियां निरस्त की गई, इन्हें बाहर किया गया यानी कि इनकी रोजी रोटी एक बार छिन चुकी थी लेकिन सरकार के द्वारा सहानुभूति दिखा करके दोबारा से इन्हें मानदेय पर रखा गया है। और यहां पर आप देखें भी होंगे कि प्रस्ताव इनके समायोजन का भी भेजा गया है। वहीं पर आप उत्तराखंड में भी देख ले, वहां पर भी हिमाचल प्रदेश के आधार पर टेट मुक्त इन्हें किया गया। तो आप ये मानकर चलें कि शिक्षा मित्र भी अब बाहर नहीं होंगे। 99.99% आप 0.01% मत माने लेकिन आप इतना मानकर चल सकते हैं कि शिक्षा मित्र बाहर नहीं होंगे, क्योंकि अगर शिक्षा मित्रों को बाहर करने की बात आती है तो बहुत से विभाग ऐसे हैं जो कि विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। कुछ पक्ष में होंगे लेकिन विपक्ष की संख्या ज्यादा अधिक होगी। तो साथियों यहां पर आप ये मानकर चलें और सरकार विरोधी गतिविधियां ना अपनाएं, क्योंकि साथियों इससे आप पर ही गलत इफेक्ट पड़ेगा। साथियों यही इतनी खबर थी जो कि आप सभी के साथ साझा करनी थी। अपडेट आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।